हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रमेय 10.8 वृत्त चैप्टर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और इसके जो रिजल्ट्स हैं, यानी इस प्रमेय को आप सीख के फिर जो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमेय है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अब इससे पहले कि हम इसे प्रूफ करें, मैं आपको आसान भाषा में इसे समझा देता हूं। देखिए, यह है एक सर्कल, एक वृत्त, ये इसका केंद्र है और ये चाप है। आप जानते हैं चाप कोई एक ऐसा टुकड़ा होता है, ये ए है, ये बी है और ये ओ सेंटर है। तो ये जो प्रमेय है वो ये कहती है कि देखो, ये तो है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और ये जो है वृत्त पर अंतरित कोण, यानी ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है और वृत्त पर अंतरित कोण ये है। तो ये जो कोण है इसका दुगुना होता है, मींस अगर ये हुआ 40 तो ये होगा 80, ठीक है ना। अगर ये 50 होगा तो ये होगा 100। इसी तरह से अगर ये है मान लो 60 डिग्री तो ये होगा 120 डिग्री। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि ये चीज है क्या। और ये ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तो आप दीर्घ चाप में ले रहे हो, एक लघु में ले रहे हो, मींस एक मेजर और एक माइनर नहीं ले सकते आप। कहने का मतलब यह है आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, मैं आपको इसकी लिमिटेशन बता रहा हूं, बच्चे कुछ गलती इसमें करते हैं कि मान लो कि यह है 120 डिग्री, तो अगर आपसे ये वाला पूछा जाए कि यह क्या है, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये तो सेंटर पे बना है और ये वृत्त पर बना है तो ये इसका हाफ होगा, ये 60 होगा। नहीं, इस तरफ नहीं, ये सेम साइड होना चाहिए, यानी ये 60 होगा, ये वाला 60 होगा, ये नहीं होगा। ध्यान रखना, ये निकालने के लिए आप कुछ और चीजें सीखेंगे, वो बाद में बताएंगे। वो फिर चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगती है कि इसको और इसको मिला के 180 होता है, वो अलग कहानी है। लेकिन ये कैसे निकलेगा, जो प्रमेय हम पढ़ रहे हैं उससे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है वो इसलिए है कि ये है वृत्त और मान लो कि ये केंद्र है, केंद्र पर अंतरित कोण ये मान लो 150 डिग्री है। तो आपको इस साइड वाला वृत्त पे जो भी कोण बनेगा वो आप पता कर सकते हो, इसका हाफ होगा यानी ये 75 होगा। तो ध्यान रखना, इधर हाफ बनता है और केंद्र पे डबल हो जाता है वो। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रमेय क्या है। अब मैं इसे प्रूव करता हूं। उसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ओके। और यहां पर इस सर्कल पर ये दो पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये एक चाप है, ठीक है, ए बी एक चाप है। अच्छा, और यहां से अब हम कोण अंतरित करेंगे एक केंद्र पर और एक वृत्त पर। तो ये जो कोण है ये केंद्र पर अंतरित कोण है। अब दूसरा वृत्त पर बना देते हैं, आप कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बनाओ ऐसे, ठीक है ना। ये है और इसको मैं ले लेता हूं सी। तो ये है सी और अब देखो ये जो कोण है ये बन रहा है वृत्त पर और ये कोण बन रहा है केंद्र पर। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल ए ओ बी है ये है एंगल ए सी बी का दुगुना, ठीक है ना। यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगुना होता है, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही इजी वे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या करना है कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, ओके, ठीक है ना। और अब आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ सी
त्रिभुज एओसी एक कैसा त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये भुजा है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी यहां पर जो AO है वो OC के बराबर है। तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने समान कोण होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। आप समझ आ रहा है आपको, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि एंगल AOC जो है वो एंगल, देखो OAC, एंगल OAC बराबर है एंगल OCA के, और उसको x ले लेते हैं। तो इसको मैं x ले लेता हूं, यहां पे लिख देते हैं ये x है और ये x है, ये हमने मान लिया है, ठीक है ना। अब अगर हम इसे देखें, त्रिभुज BOC को, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें BO बराबर है OC के। तो अगेन आप देख सकते हैं यहां पे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहां पर एंगल OBC बराबर है एंगल OCB के, और इसको y ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा y और ये हो गया y। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा एक एक स्टेप। अच्छा, इसको d ले लेते हैं, यहां पे ये वाला पॉइंट d है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल AOD की, एंगल AOD, ये जो एंगल है, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो एक बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले सामने के दो एंगल्स के योग के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। तो यानी ये कोण जो होगा दिस प्लस दिस होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स यानी 2x। और इसी तरह से एंगल BOD, ये भी वही प्रॉपर्टी लगेगी कि ये जो कोण होगा ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो ये जो कोण होगा ये इनके योग के बराबर होगा, यानी y प्लस y, ठीक है। और अब देखिए कि जो एंगल AOB है वो क्या है, एंगल AOB ये है एंगल AOD प्लस एंगल BOD के। आप समझ रहे हैं, यानी ये जो पूरा एंगल है AOB ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल के इक्वल है। तो ये 2x है, ये 2y है, और ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस y, अंडरस्टैंड। और x प्लस y क्या है, x प्लस y ये है माय डियर ACD। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू एंगल ACB, और यही तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB बराबर ट्वाइस एंगल ACB है, हेंस प्रूफ्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सुपर फैन बने और चैनल को अपना सहयोग दें।